नन्हा हाथी। जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। एक बार हथनी ने एक सिसु हाथी को जन्म दिया, जिसे देखकर सब प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नन्हे हाथी के जन्म पर जश्न मनाया। बचपन से ही नन्हा हाथी सबसे अलग और अनोखा था। बड़ा होने पर वह सभी सयाने हाथियों और दोस्तों का प्यारा बन गया था। वह सबके प्रति दयालुता दिखाता, हमेशा दूसरों की सहायता करता, वह किसी को चोट न पहुंचाता। एक दिन वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो उसने एक बूढ़े बंदर को फूट फूट कर रोते हुए सुना। नन्ना हाथी उसे रोते देख पिघल गया। उसने पूछा, तुम अकेले क्यों बैठे हो और इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? बंदर ने उत्तर दिया, मैं काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, इसलिए सभी संगी साथी छोड़ गए हैं। मैं उनकी तरह पेड़ों पर उछल कूद नहीं पाता, मैं अपना दुख किससे बांटूं? नन्हे हाथी ने उसकी कहानी सुनकर दिलासा दिया, चाचा चिंता मत करो, मैं आपके साथियों को वापिस लाऊंगा। जल्दी वह जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि बंदर के साथी पेड़ों पर बैठे केलों का स्वाद ले रहे थे। उसने कहा, दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका ही एक मित्र अकेला पड़ गया है। वह बूढ़ा और कमजोर होने के कारण मुसीबत में है। वहाँ उसकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। कृपया जाकर उसका मन बहलाओ। बंदर एक हाथी को इतनी नरमाई से बात करते देख हैरान थे। इससे पहले किसी हाथी ने इनसे इस तरीके से बात नहीं की थी। वे फटाफट नन्हे हाथी के साथ उस पेड़ पर जा पहुंचे, जहां वह बंदर अकेला बैठा रो रहा था। वह बंदर साथियों से मिलकर बेहद प्रसन्न हुआ। दूसरे बंदरों ने उससे माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे की वजह से उसे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, दोस्त हमें माफ कर दो, हम सचमुच बेहद शर्मिंदा है। हम तुम्हारे साथ रहेंगे व तुम्हारी जरूरत का पूरा ध्यान रखेंगे। बूढ़े बंदर ने नन्हे हाथी को शुक्रिया कहा। उसी के कारण तो वह अपने दोस्तों से दोबारा मिल पाया था। शिक्षा, हमें बूढ़े लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए व उनकी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।